हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरिश एन IOS इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक आप लोग जान ही गए होंगे कि आप लोग प्रमोट हो चुके हैं, ये बात जो आप लोगों को कल पता चल गई होगी कल रात तक, क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जो आया है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने जो है वीडियोज़ डाली है, तो आप लोग को पता चल गया होगा। और अगर अभी तक आप लोग को नहीं पता चला है कि आप लोग प्रमोट हो गए, तो मैं बता दूँ आप लोग प्रमोट हो चुके हैं। और इससे रिलेटेड जो है मैंने एक और लास्ट वीडियो बनाया है, देखिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है पूरे नोटिस को जो है हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया, ट्रांसलेट किया, लाइन टू लाइन जो है पूरा मैंने समझाया है। तो अगर वो आप लोग को अगर पूरा नोटिस ठीक से नहीं समझ में आया तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर जिससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में जो मैंने उनके लिए बनाया है जिनको अभी जो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम हमने TMS सबमिट नहीं किया है, या हमारा जो TOC वाले जो बच्चे हैं जिनका TMA होता ही नहीं है उनका क्या होगा, मैम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं इस वीडियो में आप लोग को दूंगी, समझाऊंगी क्या प्रोसेस होगा आप लोगों का। तो पहले मैं करती हूँ उन बच्चों के बाद जिन्होंने अभी तक TMA जो है अपना सबमिट नहीं करवाया है, TMA अपना नहीं दिया है, तो उनको क्या करना होगा। अगर उन्होंने TMA नहीं दिया है, जमा नहीं करवाया है, तो उनको जो है अपना TMA लेट फीस के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना TMA फिर से बना करके लेट फीस के साथ जो है आप लोग अपना दे सकते हैं, TMA सबमिट करवा सकते हैं। आप लोगों का जब TMA सबमिट हो जाएगा तो उसके मार्क्स के हिसाब से जो आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो वो अब आप लोग पे डिपेंड है कि आप लोग को जो है अपना TMA जल्दी से जल्दी जो अपना TMA रेडी करके जाके सबमिट करवाना है लेट फीस के साथ, तो आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आई होप उनके डाउट अभी क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने TMA जो है सबमिट नहीं करवाया है, उन्हें लेट फीस के साथ जो है अपना TMA सबमिट करवाना है, तो वो प्रमोट हो जाएंगे। अब आते हैं TOC की बात, जिनका TMA होता ही नहीं है वो कैसे प्रमोट होंगे। तो अब हमारे जो TOC के बच्चे हैं उनका तो TMA होता नहीं है, तो उनको जो है लास्ट एग्जामिनेशन जो उनका रिजल्ट होगा उसके बेस पे जो है प्रमोट किया जाएगा। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि हमारा तो बोर्ड ही दूसरा था, अगर हमने जो लास्ट एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनका बोर्ड ही अलग होगा, उन्होंने कोई और बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया होगा, अपने एग्ज़ाम दिए होंगे, कोई और बोर्ड का रिजल्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बोर्ड का अगर आप लोग का रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि उससे कोई लेना देना नहीं है कौन से बोर्ड का रिजल्ट है, जो से भी बोर्ड का रिजल्ट हो, जो भी आप लोग का रिजल्ट है उसके बेसिस पे जो आप लोग को प्रमोट किया जाएगा। मतलब कि आपने जो लास्ट एग्जामिनेशन दिया है, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उसका जो रिजल्ट है उसके बेस पे जो आप लोग प्रमोट होंगे। आई होप आप लोग के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इन केस अगर आप लोग को कोई डाउट होता है, चाहे वो TMA जिन्होंने नहीं दिया है उनसे रिलेटेड, या TOC वाले बच्चों को कोई डाउट होता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन लोग को हेल्प कर दूंगी, बता दूंगी। और बाकी फिर से मैं कह रही हूँ, ये जो आप लोग अभी इस वक्त ऑफिशियल नोटिस जो है अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको अगर आप लोग को डिटेल में समझना है, इन हिंदी आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस क्या लिखा हुआ है इसमें, तो मैंने जो वीडियो अपनी लास्ट अपलोड करी है उसमें आप लोग देख सकते हैं, वो उसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसमें मैंने पूरा ऑफिशियल नोटिस जो है हिंदी में समझा रखा है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी मैं अपने चैनल पर जो है NIOS के सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो आगे मैं जितनी वीडियोज़ अपलोड करूँगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोस और NIOS के स्टूडेंट्स तक शेयर भी करिएगा, TOC के स्टूडेंट्स को भी शेयर करिएगा, मतलब हमारे सारे स्टूडेंट्स को जो है शेयर करिएगा ताकि उनको कोई भी डाउट ना रह जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।